हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए यहाँ पर हमने दो तीन दिन पहले वीडियोस बनाई थी यहाँ पर एशियन क्रांटो तो से रिलेटेड और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए काफी लोगों को यहाँ पर राइट इश्यू आए हैं काफी लोगों की यहाँ पर को, 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 क्वेरीज आ रही है कि कैसे अप्लाई करें क्या करें क्या नहीं करें उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हुए नजर आएंगे जो नहीं मिलेंगे आप मुझे कमेंट करिएगा आपको यहाँ पर रिप्लाई दूंगा क्योंकि बहुत सारे एक साथ जवाब आ गए थे और सिमिलर क्वेश्चन थे सबके तो ए, उनके सभी क्वेश्चन के जवाब देने चाहूं, चाहूंगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे हाउ टू तो अप्लाई कैसे करते हैं एसबा के थ्रू वो भी मैं आपको बताऊंगा बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की

तो लास्ट तक वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी रहता है तो पूरा हमें ज्ञान लेके ही जाइएगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आ गए नेट बैंकिंग एच डी एफ सी बैंक अकाउंट यूज करता हूँ तो यहाँ पर एच डी एफ सी का मैंने यहाँ पर अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर एच डी एफ सी में और क्या कौन सा ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ एस बी आई का मुझे पता है एस बी आई में ऊपर ई सर्विसेज नाम से एक ऑप्शन रहता है नेट बैंकिंग में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आई पी ओ और राइट इशू लिखा होगा और ये एच डी एफ सी की बात करूँ तो इसी तरीके से मोस्टली जो जो बैंक सपोर्ट करते हैं मोस्टली बड़े बैंक सपोर्ट करते ही है तो इसी तरीके का या तो आपको ई e सर्विसेज में जाना है या अकाउंट के यहाँ पर जैसे ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर में गए तो तो पर नीचे देंगे, तो आपको दिखाई देगा राइट इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है आईपीएन राइट इशू तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आ, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी आपके पॉपअप वगैरह है उसे डिसेबल करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक पेज आएगा और जिसमें पेज में यहाँ पर क्या लिखा होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा राइट इशू प्रैक्सिस होम इशूल के लिए टैक्स इंडस्ट्री के लिए राइट इशू यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट राइट इशू एज वेल एज बात करें यहाँ पर देखिए पारस यहाँ पर आईपीओ भी तो आईपीओ और राइट इशू दोनों को दोनों यहाँ पर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है अभी हम बात कर रहे हैं राइट इशू की तो राइट इशू यहाँ पर देखिए किसी का भी करना हो आपको तो यहाँ पर जाइए यहाँ पर एशियन ग्रेनेटों का है तो यहाँ पर आप क्लिक करें अप्लाई में जैसे आप यहाँ पर अप्लाई पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा यहाँ पर आ रहा है आ, सिलेक्ट इन्वेस्टर्स स्टेटस तो यहाँ पर राइट इशू तो यहाँ पर राइट इशू पे आप क्लिक करिए इसे ओके कर दीजिए इसके अलावा कितने राइट इशू के लिए आप यहाँ पर जाना चाहते हैं या फिर आपके पास कितने राइट इशू यहाँ पर आपके अकाउंट में आए क्योंकि आपके अकाउंट में राइट इशू आ गए होंगे होप आपने देखा होगा कि किसी को दस राइट इशू किसी को उन्नीस राइट इशू किसी को साठ राइट इशू किसी को कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट राइट इशू तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ओके okay, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पर एक, एक देना पड़ेगा एटी फाइव रुपीज़ सॉरी यहाँ पर एटी फाइव जितने भी यहाँ पर है इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो भी यहाँ पर फिक्स प्राइस पर आप यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ के ही फिक्स प्राइस है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ पर तो देखिए कुछ क्लिक करना नहीं है यहाँ पर आपको राइट इशू लिख देना जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप एटी राइट इशूज यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर पैन कार्ड आ जाएगा यहाँ डिटेल्स आ जाएगी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ़ बर्थ आप यहाँ फिलअप कर देंगे इसके अलावा यहाँ पर अपने फादर्स या हस्बैंड जो भी आप आ, हो आ, आ, फीमेल है तो फीमेल अपने अकॉर्डिंगली मैरिड है तो हस्बैंड का नाम या अपने फादर्स का नाम है कोई भी अब इसके अलावा आपका डिपोजिटरी कौन सा है डिपोजिटरी की डिटेल्स जैसे कि जेरोधा कोई यूज करता है तो जेरोधा के लिए मोस्टली सीडीएसएल होता है ओके okay? तो यहां पर अपने आ, आ, अपने ब्रोकर से फोन करके आप पूछ लीजिएगा अदरवाइज आपके डिटेल्स रहेंगी वहाँ पर अगर हम बात करें आपके डी दी, डी में आप प्रोफाइल प्रोफाइल सेक्टर में जाएंगे ओके तो वहां पर आपकी सारी डिटेल्स रहती है कि आपके कौन सा डिपोजिटरी यूज़ करता है अगर आपका कोई डिपोज़िटरी रहेगा तो उसका नाम यहां पर देना पड़ेगा जैसे कि यहां पर एच डी एफ सी का यूज़ करता है तो एच डी एफ सी बैंक अगर कोई जेरोदा यूज़ करता है तो यहाँ पर जेरोदा यहाँ पर क्लिक कर सकता है ओके एज़ वेल एज यहाँ पर बात कर डी डीपीआईडी डीपीआईडी क्या होता है तो कोई भी क्वेश्चन के अगर आप आंसर चाहिए जैसे जेरोदा का डीपीआईडी क्या होता है तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिंपल गूगल पर डालना व्हाट इज माय डीपीआई डी इन जेरोदा व्हाट इज द पी आई डी इन जरो व्हाट इज द डी आई पी इन आईडी इन एंजल ब्रोकिंग और डिफरेंट डिफरेंट तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं जेरोदा ने इजी कर रखा है यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपनी डी पी आई डी तो डी पी आई डी जेरोदा की अगर मैं बात करूँ तो एट डिजिट की यहाँ पर देखिए डी मेट में जाना है और यहाँ पर डी पी आई डी आ जाएगी ये आ, एट डिजिट की डी पी आई डी होती है तो आपको यहाँ पर डी पी आई डी डाल देना है एट डिजिट की यहाँ पर डी पी आई डी आ जाएगी इसके अलावा यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर सिक्सटीन डिजिट का होता है वो भी आपको पता चल जाएगी अगर एन एच डी एल होगा तो यहाँ पर एट डिजिट का होगा और एट डिजिट में एल

इस तरीके से आप कितनी भी क्वांटिटी के लिए मतलब जितनी आपको एलिजिबल है उसके लिए या लेस देन दैट उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं जैसे कि मैं सिक्सटी के लिए हूँ तो सिक्सटी यहां पर डालूंगा या फिर कोई एटी के लिए तो एटी यहाँ पर डालेगा या लेस देन डेड के लिए यहाँ पर जा सकता है और यहाँ पर अपना अप्लाई करके अब आपको अप्लाई करना है या सेल आउट करना है अगर किसी के जैसे यहाँ पर अगर बात करें डीमेट में शेयर आ चुके हैं तो क्वेश्चन से हो रहे हैं उसके रेट क्योंकि घट बढ़ रहे हैं कि उसे सेल आउट कर दे या क्या अप्लाई करे तो देखिए डी से लास्ट टाइम यहाँ पर जब हमने वीडियोज बनाई थी ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया था कि डीमेट से यहाँ पर बाई मत करिएगा सेल करना है सेल कर दीजिएगा बट बाई मत करिएगा अगर आपने बाई किया तो याद रखिएगा आपके पैसे डूब गए ओके, और ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पर टी प्लस टू टाइम में जैसे आज आपने यहाँ पर बाई किया है ओके okay, परसों की डेट में यहाँ पर वो क्रेडिट हो जाएगा वहां पर भी बट आपको उप, आप सेवन ऑफ नेक्स्ट मंथ जैसे कि उस उस दौरान तक आपको वो सेल आउट कर देने हैं दोबारा बता रहा हूँ सेल आउट कर देने हैं सात तारीख तक अगर आपके डीमेट में है अगर आप राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप उसे सेल आउट कर दीजिए सात तारीख तक अदरवाइज वो सात तारीख का पैसा डाला होगा वो भी लैप्स हो जाएगा और वहां से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है अगर आप सोचेंगे वहां से डी से ही यहाँ पर अप्लाई करूंगा पचास क्वांटिटी तीस रुपये में ले लूंगा चालीस मैं ले लूंगा और यहाँ पर मैं फायदा उठाऊंगा तो ऐसा नहीं होने वाला तो इस ऐसे अपने दिमाग में रखिएगा वो आपका एक घाटे का सौदा हो जाएगा और तारीख के बाद जब आप देखेंगे तो आपका पैसा यहां पर डूबता हुआ नजर आएगा एक रुपये भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और आपके पैसे यहाँ पर डूब जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक में के लिए ऐप मैंने पहले किया था एज सेम आपकी तरह ही मैंने यहाँ पर सिली मिस्टेक करी थी और यहाँ पर सारा का सारा पैसा डूबता हुआ नजर आया था बट वो हंड्रेड रुपीज थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट एक सीखने का मौका मिला आप सीखा है मैंने मिस्टेक करी तो मुझे पता चल गया है तो अब मैं एक प्रॉपर वे से यहाँ पर जा रहा हूँ तो वही चीज आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको वहां पर अप्लाई नहीं करना है सेल आउट करना है सेल कर दीजिए किसी ने अभी बाई किया है टी प्लस टू में वो यहाँ पर अकाउंट में क्रेडिट होंगे उसके बाद यहाँ पर सेल आउट कर दिएगा बट सेवन ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले पहले यहाँ पर सेल आउट कर दीजिएगा एक बात ये हो गई और अप्लाई कैसे करना है आपको बता दिया है अलग अलग बैंक के अलग अलग एसबा uh, अगर सपोर्ट करता है कुछ बैंक का कर करता है कुछ बैंक का नहीं करता तो वहां पर आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पे फोन करके पूछ लीजिए कि एसबा सपोर्ट करता है कि नहीं और सपोर्ट करता है एक बार पर जाके, आ, उनसे तो हाउ टू नेट बैंकिंग ऐसी कोने में आता है जो मैंने आपको अभी दिखाई दिया है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड यहाँ पर अप्लाई करना है कि नहीं देखिए डिस्काउंट में मिल रहा है डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप जब यहां पर अप्लाई करेंगे आपका एक सौ पचास रुपए का अभी शेयर चल रहा है और यहाँ पर देखिए एशियन तो देखें तो वन फिफ्टी रुपीस के आसपास का यहाँ पर सौ रुपए में खरीद तो एवरेज प्राइस आएगा जब ये होता हुआ नजर आएगा तो एक आपका प्राइस बढ़ेगा और ऊपर से आपको डिस्काउंट लगभग फोर्टी के आसपास तो आपको एक प्रॉफिट का ही सौदा है घाटे का सौदा नहीं है और इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें काफी नीचे लेवल पर आपको मिल रहा है इतने नीचे लेवल पर ये नहीं भागा और जब भी और इसका जो बिजनेस प्लान है ना जो इसका ग्रोथ का स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है ये 500 600 रुपए पे जाता हुआ एक से दो साल के अंदर अंदर वॉल्यूम काफी बेहतरीन है थोड़ा सा वेट कर लीजिए ये शेयर आसमान पे छूता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये जो भी ये कंपनी है ना ये लीडिंग कंपनी है और अपना ये जो पैसे इकट्ठे कर रही है राइट इश्यू से अपने आप को डेट फ्री करने के लिए कर रही है तो आपको एक तरीका तो ऑनलाइन अप्लाई करने का हो गया है और अप्लाई आपको मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए बाकी आप अपने देख लीजिए आपको सेल आउट करना है सेल आउट कर लीजिए बाकी यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देखेंगे सब कुछ देखेंगे तो आपको पता चलेगी देखिए ईयरली बेसिस पे एक ग्रोथ है नजर आती है नेट प्रॉफिट पॉजिटिव नजर आता है यहाँ पर और सारी की सारी चीजें यहाँ पर काफ़ी अच्छी है सब कुछ आपको वीडियो में बता रखा है टॉप की कंपनीज है अब इसके बाद ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है ऑफलाइन के लिए यहाँ पर देखिए जब भी आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पर एजीएल डालेंगे एशियन

कॉन्ग्लो में रेट ऑफर करोड़ रुपए की टारगेट है और अभी टाइम्स की होगा तो ऑब्वियस तो बात है आपका पैसा भी यहाँ पर टेन टू यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और जब शेयर भागते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से भागते हैं और यहाँ पर आपको डेट फ्री करना चाहते है इससे रिलेटेड इन्होंने अपने सब कुछ यहाँ पर बता रखा है तो यहाँ पर एक बार इनसे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ये इसलिए और एज वेल एज बात करें आपको कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं तो यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है ओके तो यहाँ पर हिंदी गुजराती इंग्लिश यहाँ पर क्वेरीज में आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर आपकी क्वेरीज ओपन होती हुई नजर आएगी फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपका ओपन होता हुआ नजर आएगा फिर इसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी कि आपका नाम क्या है यहाँ पर एड्रेस क्या है ई क्या है परमानेंट पैन एड्रेस क्या है ये सारी की सारी डिपोजिटरी डिटेल्स जो कि हमने यहाँ पर देखी थी आई पी ओम पर देखी थी वही डिपोजिटरी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिर फिलअप करनी पड़ेगी कौन सा बैंक है किस तरीके से वो सारी का सारा आपको यहाँ पर सेंड करके आपको सेल करना पड़ेगा इसे फॉर्म को एक बार लीजिएगा आपको एड्रेस एज वेल एज सब कुछ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा कहाँ पर ये फॉर्म देना है वो सब चीज यहाँ पर इसमें लिखी हुई है एज वेल एज अगर हम बात करें क्वेरीज की तो यहाँ पर आपके कोई भी क्वेरीज है ओके राइट इशू होता क्या है उससे रिलेटेड ओके okay, यहाँ पर क्या डेट है कितने राइट right इशू के लिए आप एलिजिबल है यहाँ पर देखिए व्हाट व्हाट इज इज राइट इशू द अमाउंट टू बी पेड कितने रुपए आपको देने हैं तो सौ रुपए यहाँ पर पे करने हैं व्हाट इज द राइट एंटाइटलमेंट यहाँ पर क्या होता है राइट right इशू कैसे अप्लाई करना है हाउ टू हाउ आर राइट इशू तो ये सब चीज आपको बता रखा है इसके अलावा और आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो आप हम मुझसे पूछ रहे थे वो तो मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर ये सारा का सारा आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इतना तो आपको कष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा पूरा लेआउट पूरा स्ट्रक्चर ले आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है आपको फायदे का सौदा है या आपके घाटे का सौदा है ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग ये फायदे का सौदा है यहाँ पर इसे अप्लाई करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना चाहिए हंड्रेड रुपीज पे और यहाँ पर अगर हम देखें तो

भी हम एक बार यहाँ पर देख सकते हैं तो वो भी आपको एक पता चलते हुए नजर आएगा ओके okay, इसे क्लोज कर देते हैं ओके okay, पर आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो एक बार इसके देखिए तो आपके मोस्टली क्वेरीज के आंसर आपको मिल गए होंगे बट स्टिल यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो कि कैसे आप, आपको आ, कुछ भी करना है कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट करिए डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू द रिस्पॉन्स एट द सेम मोमेंट तो यहाँ पर चलते हैं आ, वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और कोई भी क्वेरीज हो तो आप वो सॉल्व होती रहना नजर सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस